चलिए अब खबर विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं, लखनऊ से खबर है, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं ओपी राजभर, ये सूत्र बता रहे हैं। जयंत चौधरी के लगातार संपर्क में है ओपी राजभर। कांग्रेस, सपा, बसपा और नीतीश को साथ लाना चाहते हैं राजभर। ओपी राजभर की बीजेपी से नहीं बन पा रही है बात, ये सूत्र बता रहे हैं। तो पहले ये लगातार ये कवायद चल रही थी कि शायद ओपी राजभर यहाँ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई बैठकें भी चली, हालांकि ओपी राजभर लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ओपी राजभर की बीजेपी से बात नहीं बन पाई है और अब तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं ओपी राजभर, ये सूत्र बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी ने ओपी राजभर से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर बड़ी चर्चा है, चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात हो, 2024 के गठबंधन को लेकर बात हो, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, 24 को लेकर कितनी तैयारी आपकी? देखिए, हम अनवरत चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। जब से पार्टी बनाए हैं तब से हम पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, जितने भी लोग हैं, सब जनता के बीच में अपना गाँव में चौपाल लगाना, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ग्राम ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, हम लोग करते रहते हैं बराबर, चाहे कोई न कोई एक योजना बनाकर। तो 24 में अकेले या बीजेपी के? देखिए, अभी तो हम अकेले हैं, और चाहे सावधान रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश में कार्यक्रम चला, महिला हक अधिकार रैली के माध्यम से कार्यक्रम शुरू हुआ, तब तक निकाय चुनाव आ गया। अभी भी हम लोग जो जनता के बीच में अपने छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात की बड़ी चर्चा, उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, बीजेपी के कई सारे बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात को यूपी की सियासत में बड़ा इवेंट मानते हैं। देखिए, सच है कि सीएम साहब से हमारी मुलाकात नहीं, हाँ ये जरूर है कि बनारस सर्किट हाउस में 8:30 बजे मैं पहुँचा, 9:45 बजे मुख्यमंत्री जी पहुँचे, और उसी बात को लेकर के कि यहाँ 5-6 महीने बाद मैं सर्किट हाउस गया भी था, तो अपना एक तर्क वितर्क था। हाँ ये जरूर है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे माननीय केशव मौर्या जी हों, चाहे माननीय दयाशंकर सिंह जी हों, माननीय स्वतंत्र पटेल जी हों, भाई हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। अब जनता की समस्या, अपने विधायकों की समस्या हम लेके विपक्ष के नेताओं के तो नहीं जाएंगे, हम उन्हीं के जाएंगे ना, तो उनसे मिलते रहते हैं संबंध। चूँकि कुछ लोग बसपा से आए हुए हैं बीजेपी में, तो हम भी बसपा से थे, तो जब हमारा बसपा से लोग बीजेपी में आए तो हमारा गठबंधन बीजेपी से हो गया, तो वो लोग भी मंत्री बने, हम भी मंत्री बने, फिर हम छोड़ दिए, अब ये लोग पार्टी थी वही रहे, फिर चुनाव हुआ, हम गठबंधन करके दूसरी पार्टी से लड़े। इस मोर्चे में जाने वाले, एक मोर्चा अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस अलग अपना कर रही है, बिहार में 23 को बैठक है, क्या उसमें आमंत्रित हैं आप? नहीं, देखिए 23 में अभी हमको न्योता नहीं मिला है। हमारी देखिए प्राथमिकता यही है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी, जैन जी, ये लोग इकट्ठा हो जाएं, एक मंच पे जिस दिन आने का ऐलान करें उस दिन हम भी इनके मंच पे खड़े नजर आएंगे। 2 घंटा पहले खाली हमको बता दें, तो इन लोगों के पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। यानी ओम प्रकाश राजभर जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, अगर उसमें अखिलेश होंगे, मायावती होंगी, कांग्रेस होगी, नीतीश होंगे और जयंत होंगे, तो ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम रहेंगे। इस गठबंधन का कितना भविष्य मानते हैं आप? देखिए, ये गठबंधन हो जाए तो आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट में 75 प्लस होगा। तो सुन रहे थे आप ओपी राजभर को, जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमारी बातचीत तो हुई है सीएम से भी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी, लेकिन इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, बल्कि वो विधायकों को लेकर जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर ये लगातार बातचीत चल रही थी। हालांकि अब ये तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या अगला कदम होता है ओपी राजभर का, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बातचीत हो रही थी, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही थी, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब कुछ और खबर आ रही है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह, अब ओपी राजभर बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब बात नहीं बन पा रही, और क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या वाकई अब तीसरे मोर्चे की तरफ रुख कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, इस वक्त यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर है ओम प्रकाश राजभर, जिनके बीजेपी से नदेखिया की खबर आ रही थी, कभी ब्रजेश पाठक, कभी भूपेंद्र चौधरी, फिर सीएम से मुलाकात। अब ओम प्रकाश राजभर का जो पैतरा है, दांव है, वो बदल गया। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे जाना होगा तो हम तीसरे गठबंधन में जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जयंत चौधरी बात कर रहे हैं मायावती और कांग्रेस से, जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, तो उस तीसरे मोर्चे में जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती है। और सीधे बात तौर जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी गठबंधन है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी की, जो लंबे समय से हम लोग कयास लगा रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह होने रहा, उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हम चूंकि एक राजनेता है तो हमें जहां अवसर मिलेगा वहां जाएंगे, हमारे लिए दलों के दरवाजे खुले हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि वो जयंत चौधरी के संपर्क में है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि जयंत चौधरी के संपर्क में, जयंत चौधरी ने मुलाकात भी की थी जब उनके बेटे अरुण राजभर की शादी थी। तो यूपी की सियासत से बड़ी खबर यह है, क्योंकि देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ थे तो 122 सीटें मिली, यानी 30-40 सीटों की जो बढ़ोतरी हुई अंबेडकर नगर से लेकर बलिया से लेकर आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर, उसका श्रेय कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को जाता है। 27 लोकसभा सीटें जहां थोड़ा बहुत और उनका मिलाकर 14 लोकसभा सीटें ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से 2.5 लाख वोट ओम प्रकाश राजभर के पास है, 32 विधानसभा सीटें। तो इस बात को लेकर सर्वे कराया गया। ठीक है अजीत, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।